हमारे चैनल मोमेंट मिश्री, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तीन चार दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था मेरे घर का, मेरा जो मायका है उत्तराखंड अल्मोड़ा में, वहाँ का। वो वीडियो मेरे पापा ने देखा ना, तो कह रहे हर एक कैसा गंदा लग रहा है घर, ये वो, क्योंकि जो वो मैंने वीडियो शूट किया था ना वो फैब में किया था, तब हमारे घर में पेंट नहीं हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वो ये मिश्री की मस्ती देखी चल रही है। तो पापा कह रहे हैं कैसा लग रहा है ये वो, है ना। तो मेरे पास जो वीडियो था मैंने वो आप लोगों तक शेयर किया, तो फिर पापा ने ना अभी पेंट करवा लिया है एक डेढ़ महीने पहले, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, तो मैं वो वीडियो तो शेयर करता हूँ, भेजता हूँ मैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो हमारा घर है पहाड़ में उत्तराखंड का, उसका वीडियो शेयर करती हूँ कि अब वो पेंट होने के बाद कैसा लग रहा है। और पेंट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सफाई आ जाती है, और ना पहाड़ों में मई जून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छा हो गया, अभी पापा ने पता नहीं कैसे अकेले वहाँ पे करवाया। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ में कि कैसा हमारा घर लग रहा है पेंट होने के बाद। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारे घर का एंट्रेंस है और ये हमारा घर दो फ्लोर का है, जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें टेनेंट रहते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम रहते हैं। मतलब पहले तो मैं रहती थी लेकिन अभी पापा रहते हैं अकेले। सो इस टाइप का कलर करवाया हुआ है, मुझे तो ये थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है लास्ट कलर की तरह, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा ये डिफरेंट है। तो हमारे जो घर की विंडोज़ है ना, वहाँ से इतनी अच्छी ग्रीनरी दिखती है, अगर आप सुबह सो के उठो और देखो तो आँखों को बहुत सुकून मिलता है। और जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया था तो ये बिल्कुल भी इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं थे, अभी यहाँ पे मक्का भुट्टा जो है उसके पौधे हो गए और रागी के प्लांट्स हैं। तो ये वाला जो रूम है वो पापा का है और इसमें पापा सोते हैं, इसमें ही टीवी है और इसी में ही अटैच्ड वॉशरूम है और किचन भी है एक साइड में। तो किचन का वीडियो पापा ने शेयर नहीं किया, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो इस टाइप का कलर है, लेमन कलर लग रहा है मुझे वीडियो से। ये सेकंड रूम है और इस रूम में मैं रहती थी, ये जो पेंटिंग दिख रही है वो मैंने बनाई है। सो लेफ्ट साइड को मंदिर बनाया हुआ है और इतना अच्छा वेंटिलेशन है ना हमारे घर का कि लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हवा आती जाती रहती है। और पापा ने यहाँ पे मम्मी और दादाजी की फ़ोटो भी लगाई हुई है। सो ये हमारी बैल्कनी है और बैल्कनी पूरी तरह से कवर है, यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और हमारी कंट्री का फ्लैग यहाँ पे लहरा रहा है। यही दिखाने के लिए पापा ने मुझे ये वीडियो भेजा था कि देखो मैंने दो फ्लैग लगाए हुए हैं, एक आगे और एक ये पीछे, और इतनी अच्छी धूप आ रही है ना और इतनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है, जहाँ भी देखो बड़े बड़े प्लांट्स और बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ बोलते हैं जब इतने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो भूड़ हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ना नीचे कद्दू लौकी की बेल आ रही है। और राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे घर, तो ये अल्मोड़ा की मेन मार्केट है, हमारे घर से ही लगा हुआ चाचा चाची का घर है और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है। हमारे घर का जो फ्रंट लुक है वो ये है और आंगन में ना ये पाइप लगे हुए हैं जो कि सरकार की तरफ से लगाने हैं रास्ते में कुछ, है ना, पापा ने बताया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये देखिए तो अभी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये रास्ता है तो आगे से तो वैसा दिख रहा था घर, और पीछे का भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भुट्टे के और रागी के पौधे हो रहे हैं। तो ये पीछे का लुक है हमारे घर का, यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना, मतलब अब चेंज आ गया है घर में। और जो अपने पापा ने पेंट कराया है वो बोल रहे हैं कि 8-10 साल तक ये आराम से चलने वाला है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे ऐसे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।